हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम, संस्कृत मैम रेनू मैम। कैसे हो आप? बढ़िया, मजे में। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला, भाग एक, पाठ चार, चतुर्थ पाठ। संस्कृत का चतुर्थ पाठ है वचनानाम ज्ञानम, वचनों का ज्ञान। बच्चों, आप जानते हो कि वचन क्या होते हैं? वचन होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। जानते हो आप वचन कौन से होते हैं? कि वचन जिसके द्वारा हमें किसी की संख्या का बोध होता है, हमें पता लगता है कि ये एक है या कि अनेक है, दो है, एक वचन है या दो वचन है या बहुवचन है। इससे हमें संख्या का पता लग जाता है कि ये कितना है, ये एक उंगली है ना, और ये कितनी उंगली है, दो उंगली है, और ये कितनी उंगली हो गई, बहुत सारी उंगलियां हो गई। तो हमें इसके द्वारा संख्या का पता चलता है कि वचन के द्वारा हमें क्या ज्ञान होता है, संख्याओं का ज्ञान होता है। संस्कृत में कितने वचन होते हैं बच्चों? तीन वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। इससे संख्या में एक होने का पता, जैसे मैं आपको एक उंगली दिखा रही हूं, ये कितना है, एक। तो आपको क्या पता चल रहा है कि मैम दिखा रही है एक, ये एक है, इसीलिए ये क्या है, एक वचन है, ये सिंगुलर है। इसमें जैसे क्या होता है, जैसे हम संस्कृत में बताएंगे, जैसे नृपः, नृपः क्या है, राजा। बालकः यानी कि एक बालक। शुकः यानी कि एक तोता। तो इस प्रकार हमने एक संख्या के बारे में जाना, केवल हमने एक। जो शब्द संख्या में दो होने का पता देते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विवचन कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक वचन का बताया था, अब मैंने आपको कहा तो ये क्या है, दो वचन है, जिससे हमें संख्या में पता चले कि ये एक और ये दो, तो ये क्या हो गया, ये दो वचन है। जैसे मैंने आपको कहा ये मेरी दो आंखें हैं, तो कितनी आंखें हैं, ये संख्या में कितनी है, दो। ये कान कितने हैं, दो, तो हमने बताया दो वचन। तो अब द्विवचन का पता होगा, जैसे कि हम करेंगे अब इसमें रूप जो बदलते हैं, जैसे नृप है तो दो में हो जाएगा नृपऊ है, तोता है एक, शुका है तो क्या हो जाएगा, शुकऊ, दो में हो जाएगा शुकऊ। एक बालक है तो दो बालक में क्या हो जाएगा, बालकऊ। तो इस प्रकार हमने द्विवचन के बारे में पता चल गया आपको बच्चों। हमारे दो कान है तो दो कान है तो कर्णऊ, आंख है नेत्रऊ या नयनऊ है ना। तो इस प्रकार अब हम जानते हैं दो से भी ज्यादा होते हैं तो वो क्या होते हैं, अनेक हो जाते हैं और वो बहुवचन कहलाते हैं। बहुत सारे फूल हैं कमल के, तो हम कहेंगे कमलानी, क्या बोलेंगे, कमल के फूल बहुत सारे। एक बार हम बहुत सारे बालक, तो हम कहेंगे बालकः, क्या बोलेंगे, बालकः। हम कहेंगे राजा, बहुत सारे राजाओं ने कहा, नृपः, क्या बोलेंगे, एक में हमने बोला था नृपः, दो में हमने बोला था नृपऊ, और बहुत सारे राजा में हम बोलेंगे नृपा, यानी कि बहुत सारे राजा। एक घोड़ा है हम बोलेंगे अश्वः, दो घोड़े हैं अश्वऊ, अब बहुत सारे घोड़े हैं तो क्या बोलेंगे, अश्वाहा, बहुत सारे घोड़े हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि वचन में किस प्रकार हम एक वचन का पता लगा सकते हैं, द्विवचन का पता लगा सकते हैं और बहुवचन का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन तीनों वचनों का अब अभ्यास करेंगे। पहला है पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर जिसे बोलते हैं, पुल्लिंग जो पुरुषों के लिए, जो मेल लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वचन सिंगुलर, एक लड़का तो क्या बोलेंगे, बालकः। अब दो लड़के हैं तो बालकऊ, क्या बोलेंगे, बालकऊ। और बहुत सारे लड़के हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों, बालकः। एक के लिए हमने बोला बालकः, दो के लिए बोलेंगे बालकऊ, और बहुत सारे बच्चों के लिए बोलेंगे बालकः। ऐसे ही ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, किसान है। ये किसान को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, कृषक है ना। एक किसान है कृषकः, क्या है, कृषकः, एक किसान। अब ये दो किसान दिखने लगे हमें यहाँ पर, तो हम इनको बोलेंगे कृषकऊ, क्या बोलेंगे, कृषकऊ। अब यहाँ बहुत सारे किसान हमको दिख गए तो यहाँ बोलेंगे कृषकः, बहुत सारे किसान। तो इस प्रकार हमने ये यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर में जाना। अब स्त्रीलिंग में यानी कि फेमिनाइन जेंडर में हम इनको जानते हैं, एक वचन में एक कन्या है तो कन्या, और दो कन्या है अगर तो कन्ये, क्या बोलेंगे, कन्ये। बहुत सारी कन्या है तो हम क्या बोलेंगे, कन्या, क्या बोलेंगे, कन्या। और ऐसे ही चटका, एक चिड़िया है चटका, दो चिड़िया हो गई
चटके और बहुत सारी चिड़ियां दिख रही हैं आपको, यहाँ बहुत सारी चिड़िया हो गई। तो चटका, चटका, चटके, चटका। तो हमने यहाँ स्त्रीलिंग के बारे में जाना, अब हम जानेंगे बच्चों यहाँ पर हम नपुंसकलिंग, यानी कि जिनका कोई लिंग नहीं होता, ना वो पुल्लिंग होते हैं और ना वो स्त्रीलिंग होते हैं, ना वो मेल है और ना वो फीमेल है, ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या कहलाती है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है, वो कहलाता है नपुंसकलिंग कहलाता है। जैसे पाटलम, ये क्या है? गुलाब है। एक गुलाब है पाटलम, अब दो गुलाब है तो पाटले, अब बहुत सारे गुलाब है तो क्या हो जाएगा? पाटलानी। क्या हो जाएगा? पाटलानी। जैसे कि पुस्तक है, एक पुस्तक है तो पुस्तकम, दो पुस्तक आ गई यहाँ तो पुस्तके, और बहुत सारी पुस्तक आ गई यहाँ पर तो पुस्तकानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ नपुंसक लिंग यानी कि न्यूट्रल जेंडर में आए हुए शब्दों के बारे में जाना बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर इस जो हमने जाना है अभी वचन, कौन कौन से वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में जाना है, उनका कुछ अभ्यास कार्य देख लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? कितने वचन होते हैं संस्कृत भाषा में? अभी मैंने आपको बताया था 3 वचन होते हैं संस्कृत भाषा में, 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पाटले इति पदम कतम वचनम प्रदर्शति पाटले, पाटले इस शब्द में कौन सा वचन दर्शाया जा रहा है? पाटलम, पाटले, पाटलानी, अभी मैंने आपको बताया था पाटले में इसका द्विवचन बताया जा रहा है ना। द्विवचनस्य त्रय उदाहरणम लिखत, द्विवचन के 3 उदाहरण लिख रहे हैं। एक तो आप लिख सकते हैं पाटले, है ना, एक लिख सकते हैं आप कन्ये, एक आप लिख सकते हैं पुस्तके, और भी बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं द्विवचन के आए हुए। तो इस प्रकार हमने द्विवचन में आए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखे। दूसरी हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर जानकर उन पर निशान लगाना है। जैसे दो लड़के हैं, दो लड़कों को हम क्या बोलेंगे? या तो बालकह बोलेंगे या बालकौ बोलेंगे, आप बताओ क्या बोलेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि एक बालक के लिए क्या बोलेंगे, दो बालक के लिए क्या, तो आप राइट, बिल्कुल सही बोला, बालकौ, यानी कि दो बालक बोलेंगे। अनेक चिड़ियां हैं, बहुत सारी चिड़ियां हैं, उनके लिए चटके बोलेंगे या चटकह बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो बहुत आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा, लिंग के अनुसार उनके नाम भी लिखने हैं कि कौन सा फूल कौन से लिंग में आता है, लिंग। इस प्रकार बच्चों आपने जाना आज वचन को, कि वचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन से शब्द उसको प्रयोग किया जाता है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है। अगर एक बालक है तो क्या बोलेंगे, दो बालक है तो क्या बोलेंगे, एक राजा है तो हम क्या कहेंगे और अनेक राजा है तो हम क्या कहेंगे, ये आपने अभी वचन के अनुसार जाना। संख्या के अनुसार जिसका बोध होता है कि उसी को हम वचन कहते हैं, जिससे हमें संख्याओं का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है तो वो क्या कहलाती है, एक वचन कहलाती है, दो का बोध होता है तो वो द्विवचन कहलाती है, और बहुत सारे हैं जो एक से भी अनेक हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना, आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।